बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार समेत मुल्क भर में कुल 17 जगहों पर एनआईए ने रेड की। पीएफआई के खिलाफ ये रेड मुल्क की दीगर रियासतों के अलावा बिहार की मधुबनी, दरभंगा, सिवान और मोतिहारी समेत मुजफ्फरपुर, कटिहार में हुई। एनआईए की टीम ने सिवान से 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। पीएफआई के नाम पर मंगलवार को एनआईए की टीम ने यूपी, पंजाब, गोवा समेत कई रियासतों में छापेमारी की। इस दौरान सबसे ज्यादा बिहार के 12 शहरों में छापेमारी की गई। मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें देखिए। कटरा के बेलपकोना पंचायत के अनखोली में एनआईए की टीम ने छापेमारी की। अनखोली में मोहम्मद साकिब के घर एनआईए की टीम पहुंच गई, जहां उन्होंने कई दस्तावेज को खंगाला। टीम वाले आए हमसे, उसने पूछा कि आपका लड़का कहाँ रहता है। हमने कहा कि लड़का मेरा कहाँ है उसका कोई पता नहीं है। एक साल से उससे हमारा कोई संपर्क नहीं है और न वो आता है, न फोन करता है, न कुछ करता है। कहाँ है, किधर है, कोई पता हमको इसके संबंध में नहीं है। कटिहार में 2 जगहों पर एनआईए की टीम ने रेड मारी। रोतारा राजबाड़ा गाँव के रहने वाले मोहम्मद नजीम और चापी गाँव के मोहम्मद हसन के घर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान मकामी लोग काफी सहमे हुए नजर आए। सिवान में भी कई जगह छापा मारा गया। नगर थाना क्षेत्र के पटवा टोली में एक मकान से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। दोनों आपस में चाचा और भतीजे हैं। पुलिस आया था, हम लोग सब लोग सोए थे। कितना बजे रात? रात में नहीं आया, सुबह में। कितने लोग थे? कितने लोग थे? 40 आदमी था। लेडीज भी थे, वर्दी में था लो। सब सब लोग वर्दी में था। हाँ, वर्दी पहना हुआ था। सब चेक कर लिया। दरभंगा में पीएफआई मामले में एनआईए ने 2 जगहों पर छापेमारी की है। दरभंगा शहर वाके उर्दू मोहल्ला और सिंगवाड़ा के शंकरपुर में रेड डाली गई। उर्दू बाजार में दांतों के डॉक्टर शारिक रजा और शंकरपुर गांव में मोहम्मद महबूब के घर पर छापा मारा गया है। मोतिहारी के चकिया के कुआवा गांव में भी एनआईए की रेड पड़ी। सज्जाद अंसारी के घर पर पीएफआई से जुड़े मामले में छापा पड़ा। यहां से कुछ दस्तावेज एनआईए की टीम अपने साथ ले गई। केवल सज्जाद का आईडी लेके गए, बाकी कुछ पूरा सर्च किया। ये लोग रात में नहीं पाया, कल रात भी आए थे क्या? नहीं, आज ही सुबह में, सुबह 5 बजे। बिहार में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी पर मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने कहा कि एनआईए अपना काम कर रही है। एनआईए को संविधान ने, कानून ने इस देश के बड़े अपराधों को शांति व्यवस्था के लिए उसको अधिकार दे रखा है। एनआईए अपने कानून और अपने अधिकार के तहत काम कर रहा है और पीएफआई ने माना है कि बिहार हमारा लगता है कि आराम गाह है, संरक्षण मिलता है, इसलिए यहाँ पना लेने के लिए आते हैं। एनआईए स्वतंत्र इकाई है, कानून के हिसाब से कानून काम कर रहा है, एनआईए काम कर रहा है। पाबंद तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े मामलों में एनआईए ने मंगलवार मुल्क के कई शहरों में छापेमारी की कार्रवाई की गई। देखना होगा कि मुल्क के कई रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाब के बीच एनआईए को रेड में कितनी कामयाबी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।